ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत जिला स्तर पर जूनियर इंजीनियर और रोजगार सेवकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन पदों को भरने से विकास कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी। ग्राम्य विकास मंत्री जोशी ने बैठक में परिषदों के कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मेरा गांव मेरी सड़क योजना को विकास खंड स्तर पर भी तेजी से लागू करने के निर्देश दिए ताकि गांवों को सड़कों से जोड़ा जा सके। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, आज राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक यहां पर आहूत की गई थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारीगण और सभी माननीय सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। और समीक्षा में ये पाया गया कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में केंद्र के औसत से हमारा प्रदेश आगे चल रहा है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं जो माननीय सदस्यों के सुझाव आए हमने उनको समाहित करते हुए निर्देशन जारी कर दिए। जैसे सुझाव आया कि हमारे जो रोजगार सेवक हैं उनके 671 पद रिक्त हैं। हमने सभी जिलों को निश्चित कर दिया है कि उनको जिले के स्तर से उनकी भर्ती की जाए ताकि ये काम शीघ्र हो सके। इसी प्रकार जो जेईज हैं, जो 243 पद खाली हैं, वो भी जिले के स्तर से भरे जाए ताकि काम जल्दी हो सके। इसी प्रकार हमने देखा कि मेरा गांव मेरी सड़क में असमानता है। कई क्षेत्रों में तो सड़कें बर्फ में दे दी गई, कई क्षेत्रों में सड़कें नहीं हैं। इसलिए हम ये तय कर रहे हैं कि हम ब्लॉक वाइज, हमारे हम जो ब्लॉक हैं हम ब्लॉक के स्तर पर इन सड़कों का ग्रहण करेंगे। दूसरा, मैंने अधिकारियों को निश्चित किया है